अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मंडे का दिन है, क्लिनिक से मैं वापस आ गई हूँ और प्रेशर की आवाज़ आपको, प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि रानी बना रही है गोभी गोश्त और मैं अभी जाकर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उसके बाद फिर मज़े से करेंगे अपना डिनर। क्या पक रहे हैं? गलावा होना चाहिए, क्योंकि गलावा नहीं होगा ना मज़ा ही नहीं आना। देख लो, एक आध मिनट और दे सकती हो प्रेशर। खैर है, आराम से ना तुम ठंडे पानी में इसको पहले रखो एक पीस को, और उसको फिर तोड़ के देखो। अरे मेरे पे तुमने छींटा गिरा दिया हेड ऑफ द किचन। और ये है जनाबे अली, इसको पानी में डुबोया, कोई कीड़ा मीड़ा तो नहीं? तो बस जी, मैं जा रही हूँ अब जिम, और यहाँ पर जो है ये तोड़ के देखें। ठीक है, फर्स्ट ये वो जो हम लेकर आए थे, अब माली आ गया है। बिन्यामीन, आपने वो बैंगन की पनीरी लगानी है। ठीक है, अभी देखते हैं कि किधर लगानी है। ये इसमें डाल के ना तो रखना करना है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फ्रिज में चला जाएगा। तो अभी आप साथ में गोभी लाई हूँ, रात के लिए बना लो अच्छा सा गोभी गोश्त, थोड़ी अदरक डलेगी। हाँ अब तो बचे हुए, काफी बूटे होंगे। सही है, आप ठीक हो रहे हैं ना? खा गई थी, अभी कोई शक्ल निकल रही है इनकी, है ना? मिर्चे भी निकल आई ना। संडे को जो हम लेकर आए थे ना बैंगनों की पनीरी, वो हम सोच रहे थे कि हम हर गमले में कोनों में एक एक पौधा लगा दें, और माली कह रहा था कि उसने अपने घर में एक पौधा बैंगन का लगाया हुआ है और वो हर दूसरे दिन तीन चार बैंगन उससे उतर जाते हैं। तो मुजीब ने उसको कहा कि खैर है, तुम ये जितने भी पौधे हैं इनको एडजस्ट करो और लगाओ, अगर हमारे पास ज़्यादा बैंगन हो गए तो हम दूसरों को भी अपनी सब्ज़ी दे सकते हैं। सब्ज़ी तो जितनी भी अगर निकल आएगी तो वो अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर वो ये कोने शोने ढूंढ के तो ये लगा रहा था। यानी बैंगन हो गए तो क्या है, अब लोगों को देंगे हम? ठीक है ना, सारे लोग खाएं, दाएं बाएं वो भी खाएं, हम भी खाएंगे। अच्छा बूटा जड़ा ना, हाँ। सही चढ़ाई की मैं एक ही बूटा लाया थी, हाँ। करीबन उन्नू पांच चार बैंगन लगते हैं। अच्छा अच्छा जी, ये चुकंदर के लिए तैयार कर रहे हैं हम जी, है? पहले वाले हाँ चुकंदर को खा गए है ना, पहले वाला चुकंदर को चिड़िया खा गई, परिंदे खा गए जी। वक्त बहुत कम, हाँ पिछली दफे काफी कम था चुकंदर, हाँ। बीच में शायद एक्सपेंसिव होता होगा। दूध डालते हैं ना, हाँ जी। चुकंदर का बीज यहाँ पर लग रहा है। अब हो गया मिक्स, है मिक्स हो गया ना मिट्टी जो। अच्छा मिल गया, अब ठीक है। लगाना जरूरी है, काफी नमी है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी जरूरी है। चलो बस,
तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ सारी कटलरी अपनी। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं डॉलर स्टोर से मुझे ये मिल गया था, तो इससे तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता था अदरवाइज सारे कांटे चम्मच इन चीज़ों को अलग अलग करके रखना। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी की सारी फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से ये रख ली हुई है। वैसे जो डॉलर स्टोर से मैं चीज़ें लेकर आई थी वो कोई इतनी बुरी क्वालिटी की नहीं थी, ये अच्छा खासा अच्छे वाला प्लास्टिक और हैवी वाली ये वो था, कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई बुरी क्वालिटी का हो। कैसी बनी है गोभी? बहुत अजीब। वैसे ऊपर नींबू अगर निचोड़ा जाए ना तो गोभी का मजा डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो बस ये अब ये होता है कि जो संडे को फिर भी हमारे पास टाइम होता है, लेकिन वीकडेज में जो है वेरी यमी गोभी। वीकडेज में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपलोड करना वीडियो को, और अगर मैं इतना थकी हुई आकर आप लोगों के लिए वीडियो डालती हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा जाग के इसको वीडियो को देख लिया करें। अब ये तो कोई बात ना हुई कि 50,000 लोग आप लोग फॉलो कर रहे हैं और हाफ लोग जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं, फिर ये तो बात गलत है ना भाई। सारा को देखना चाहिए फिर, वरना मैं भी फिर वीडियो बनानी बंद, हफ्ते में दो बनाया करूँगी है ना। बिल्कुल। बहरहाल इम्पॉर्टेंट ये तो खैर ऐसे ही मैं कह रही थी आप लोगों को, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत शौक से मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो मेडिकल टिप मैंने आपको बताना था वो ये था कि मौसम बदल रहा है आजकल, ज़्यादा जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़ुकाम वगैरह वाले एलर्जीज वाले आ रहे हैं, तो अपने आप को सर्दी से बचाएं। बहुत तेज़ पंखा चला कर सो जाते हैं और फिर सारे जिस्म में दर्द हो रही होती है और सुबह ज़ुकाम हुआ हुआ होता है नंबर वन। नंबर टू डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके साइन और सिम्टम्स भी तकरीबन यही हैं कि जिसमें पूरे जिस्म में दर्द होती है, कुछ लोगों को बुखार भी है, कुछ को नहीं है, कुछ लोगों को सर्दी लगती है, कुछ को नहीं लग रही है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग है, कुछ को नहीं हो रही है। सो इट्स के साइन और सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं बिटवीन पर्सन टू पर्सन। टेस्ट करवा लेना चाहिए अगर शक हो तो। ट्रीटमेंट इसकी डेंगू की कुछ भी नहीं है, पेनाडोल एक्स्ट्रा सिर्फ आप खा सकते हैं या फिर कोई थोड़ी बहुत उल्टियों के लिए आप दवाई ले सकते हैं। और हाँ, इसमें आपने अपना ब्लड चेकअप वगैरह ज़रूर डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट करते रहें, क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है जिसको सफ़ेद खून भी कहा जाता है आम जबान में, तो वो अपने ब्लड टेस्ट वगैरह और जिस तरह से वो रेस्ट बता रहा है डॉक्टर या जो भी ट्रीटमेंट आपको बता रहा है उसको आप फॉलो करें। तो इंशाल्लाह ये मौसम जो ही चेंज होगा, सर्दी आ जाएगी तो मच्छर वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर इस बीमारी से भी। तो ये जो पेनाडोल तुमने बताई, इसके अलावा अभी कोई और पेन किलर भी ले सकते हैं? ओनली पेनाडोल। पेनाडोल सेफ है। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये गोश्त मैं सोच रही हूँ बड़ा अच्छा दिया है इस दफा कसाई ने, देसी बकरे का गोश्त है और बहुत मजे का इसका यमी टेस्ट है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। व्लॉग जल्दी में ही बनता है मेरा, आपको जैसे नज़र आ ही रहा होगा, लेकिन बड़े प्यार से हम लोग आप लोगों से मुलाकात करते हैं रोज़ाना, और आप भी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं जिसके लिए थैंक यू। आपसे क्वेश्चन बहुत आता है कि आपके घर वाले हमारे व्लॉग में क्यों नहीं आते? कितनी दफ़ा तो बताया, बता दें। इसलिए नहीं आते, भाई है वो अमेरिका में है, वो जब अमेरिका गए थे तो आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है सिस्टर्स जो हैं वो एक तो अल्लाह को प्यारी हुई हुई है, दूसरी दो है शी इज़ नॉट वेल और वो दे डोंट वांट टू कम इन द वीडियोस, दैट इज़ सो सिंपल, नथिंग स्पेशल। तो उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। हर रोज़ हम आपको आपके किसी न किसी सवाल का जवाब दे दिया करेंगे,
और हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।